नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप शाम के 5 बजे। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। किसी ने कहा है कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक परिवार को शिक्षित करते हैं, एक राष्ट्र को शिक्षित करते हैं। लेकिन हरियाणा के रेवाड़ी के एक गाँव में 5वीं से ऊपर क्लास की लड़कियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, क्योंकि उनके गाँव में प्राइमरी के बाद स्कूल है नहीं, और दूसरे गाँव के स्कूल तक जाने में रास्ते भर छेड़छाड़ का डर होता है। सवाल है कि गांव को स्कूल क्यों नहीं मिलना चाहिए? आखिर 12वीं तक के स्कूल के लिए रेवाड़ी के इस गांव को लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही? क्या यह हमारी सरकारों पर सवालिया निशान नहीं है? वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ताल ठोक के इस मुद्दे पर आज बात करने के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल होगा, उन सबसे आपको मिलाएंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। सबसे शर्मनाक नहीं होता नहीं पढ़ना, सबसे शर्मनाक नहीं होता नहीं आगे बढ़ना, लेकिन सबसे शर्मनाक होती है चुप्पी। और इसलिए हरियाणा में रेवाड़ी के सीमाखेड़ा गांव ने चुप्पी तोड़ी है। आवाज उठ रही है गांव में ही 12वीं तक के लिए स्कूल की, ताकि लड़कियों को पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाने की मजबूरी ना हो, कच्चे रास्ते पर बैठे मनचलों की मनमानी का शिकार होने का डर ना रहे। बाइक पर 2 लड़के बैठा लेते हैं और हमारे साथ छेड़खानियां भी करते हैं, इसलिए हम स्कूल में जाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी की लाज बचाई थी, वैसे हमारी भी कोई लाज बचाए। सोमाखेड़ा गाँव में 5वीं तक का स्कूल है, 5वीं के बाद पढ़ाई के लिए लाला गाँव जाना पड़ता है, लेकिन 18 अप्रैल को एक 10वीं की छात्रा को रास्ते से अगवा कर रेप किया गया। इससे पहले 2012 और 2014 में भी ऐसी वारदात हुई थी। तब तो प्रशासन के सुरक्षा के भरोसे पर सोमाखेड़ा गांव मान गया था, लेकिन अब गांव में ही स्कूल नहीं तो पढ़ाई नहीं का नारा बुलंद हो चुका है, और गांव की 65 लड़कियों ने 3 किलोमीटर दूर स्कूल जाना छोड़ दिया है। यह मामला सिर्फ 12वीं तक के स्कूल भर का नहीं है, यह सामाजिक मुद्दा है। सुनिए गांव के लोग कैसे गुस्से से उबल रहे हैं। अगर यही हालात रही तो हमारे लड़के मर जाएंगे, कोई लड़के ऐसे नहीं है जो अपनी बहन की इज्जत लुटते देख देंगे। हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, हम बिल्कुल अनपढ़ रख लेंगे और इससे आगे हम बेटी पैदा करना ही बंद कर देंगे। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर कहाँ से पढ़ाएं? बच्ची तो पढ़ेगी नहीं, बाहर निकलेगी नहीं। वहाँ पे जो है तीसरी बार ये घटना घटी है, अब सबके रोंगटे खड़े हो गए। सब पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों की सेफ्टी होनी चाहिए। लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद को बढ़ाने और उन्हें पढ़ाने के लिए जिस हरियाणा से मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की, सवाल है कि अब उस सूबे में एक गांव के स्कूल की मांग क्यों न पूरी हो? आखिर बेटी पढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे? जिन बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटी है उनकी पढ़ाई का अवसर उनको मिलना चाहिए। अब वो किस प्रकार से रास्ता निकालेंगे? तो दोनों छोटे गांव हैं, इसलिए दोनों छोटे गांव के अंदर कोई बड़े स्कूल का भी प्रावधान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम करेंगे। 18 अप्रैल के बाद सोमाखेड़ा गांव के प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी टीचर्स से ही बड़ी बच्चियों को कुछ यूं पढ़ाया जाने लगा है। सवाल है कि सरकार क्यों सिर्फ भरोसा देती है लेकिन कुछ करती नहीं? मैम वो तो गांव पर डिपेंड करता है, अगर स्कूल अपग्रेड हुआ तो मैं जरूर पढ़ूंगी, मेरे माता पिता भी मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हैं। स्कूल तो जाना तुमने छोड़ दिया है, अब क्या करोगी? हम अपने गांव में स्कूल बनवाएंगे। हमारा ये स्कूल है, इसको अपग्रेड करवाया जाए और हमारी बच्चियां यहां से तो हिलेंगी नहीं, अब यहां से तो कहीं भी नहीं जाएंगी। रेवाड़ी के सोमाखेड़ा गांव का ये मामला जी न्यूज पर दिखाए जाने के बाद संसद में भी उठा, लेकिन क्या रेवाड़ी की बच्चियों को स्कूल का स्वराज मिलेगा? मुझे लगता है बहुत जल्दी ही उस गांव के स्कूल को अपग्रेड करके कि बच्चियां दूसरे गांव में ना जाएं,
वहीं पर उनके पढ़ने की व्यवस्था हो, इसलिए उस गांव के स्कूल को भी अपग्रेड करने की बात चल रही है। किसी भी प्रदेश सरकार का पहला कर्तव्य ये होता है कि अपने प्रदेशवासियों में एक विश्वास का माहौल हो, सुरक्षा का माहौल हो, और हरियाणा के अंदर ये जो एक इस तरह का माहौल बन रहा है कि वे बच्चियां स्कूल में जाने में अपने डर महसूस कर रही है। सोमा कटोपरी जहाँ पर ये वारदात हुई है और लाला वालों के ऊपर आरोप लगा है, बस ये बात सही है कि सोमा कटोपरी वाले स्कूल अपग्रेड करवाना चाहते हैं और हमारी हरियाणा की सरकार उस स्कूल को अपग्रेड करने के लिए तैयार है। लड़कियों की सुरक्षा प्रबंध करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर बच्ची इस बात से स्कूल में ना जाएं कि उनकी सुरक्षा पूरा प्रबंध नहीं है, ये बड़ी गलत बात। उस गाँव में हमने हाई स्कूल बनाना चाहिए, इसकी भी बात। सवाल है कि अगर आज़ादी के 6 दशकों बाद भी एक गाँव की लड़कियों को स्कूल न मिल सके तो क्या सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था की डींग सुनने में अच्छी लगेगी? ताल ठोक के आज इसी मुद्दे पर बहस है। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे दुष्यंत चौटाला, जो कि हिसार से इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद हैं, भारत के अब तक के सबसे युवा सांसद कहे जाते हैं। विक्रम सिंह ठेकेदार हमारे साथ होंगे, हरियाणा में कृषि और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मंत्रालयों के राज्य मंत्री हैं। बरखा सिंह हमारे साथ हैं, जो कि दिल्ली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रह चुकी हैं, और रोहतास हुड्डा अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और साथ ही आपको बता दूं, हम लगातार हरियाणा सरकार से भी बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएं और वो लोगों को जवाब दें कि आखिर इन बच्चियों को शिक्षा का स्वराज कब मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं रोहतास हुड्डा आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप युवा नेता हैं, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के आप प्रवक्ता हैं मुझे बताया गया। सर, तो आपका जो संगठन है वो केवल आरक्षण के लिए लड़ता है, इन बच्चों के लिए, इनके अधिकार के लिए, इनको शिक्षा का स्वराज मिले, उसके लिए आवाज नहीं उठाता क्या? नहीं, बिल्कुल आवाज उठानी भी चाहिए और उठाना भी चाहिए। सामाजिक आदमी है हम, सामाजिक जो भी बात होती है, न्याय की जो भी बात होती है, वो सामाजिक पंचायत होती है या गांव की जो पंचायत होती है, उसमें उठाई जाती है। बाकी मुझे तो ये देखकर बड़ी हैरानी हो रही है कि आज के सभ्य समाज में शिक्षित समाज हो चुका है और आज भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं देश के अंदर, हरियाणा के अंदर। तो बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए भी और हरियाणा प्रदेश के लिए भी, हरियाणा सरकार के लिए भी, और जिस गांव या स्कूल में ऐसी घटना घट रही है उस गांव के लिए भी, क्योंकि गांव की पंचायत या गांव के लोग क्या कर रहे हैं, गांव के स्कूल के जो टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, बड़ी विडंबना दिखाई दे रही है। किस तरह का माहौल आज के आधुनिक युग के अंदर इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं और इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, मुझे तो ये देखकर बड़ी हैरानी हो रही है कि इस तरह का माहौल ये हरियाणा के अंदर है। ये सामाजिक समस्या है या राजनीतिक समस्या है सर? सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या से ज़्यादा सामाजिक है, और गांव के लोगों को, गांव की जो आसपास की पंचायत है उनको खुद आगे आना पड़ेगा इसके लिए। दुष्यंत चौटाला, आप तो युवा नेता हैं और आप उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं सर, जो कि ऐसे समय में पढ़ लिख के राजनीति में आई है, जब लोगों को ये लगने लगा था कि नेता का बेटा नेता बनता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आपको तो इस चीज़ की अहमियत पता है, आपकी पार्टी, आपके साथ के युवा लोग इस तरह के मसले क्यों नहीं उठाते? रोहित जी, निरंतर जो आपने बात कही कि आज 1.5 साल का समय हो चुका और खुद प्रधानमंत्री ने हरियाणा की धरती पर आकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करी थी, निरंतर हमने सरकार से सदन में भी पूछा और मैंने खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भी ये मांग करी थी कि आप बताइए आपने कितने गर्ल्स स्कूल्स को अपग्रेड करने का काम किया है। आज सरकार को आप पत्र लिख दो कि आप जहाँ प्राइमरी स्कूल है लड़कियों का उसको मिडिल या सेकेंडरी स्कूल तक अपग्रेड करें, तो ये जवाब आता है कि जब तक गांव के अंदर 500 स्ट्रेंथ नहीं होगी लड़कियों की, हम उस स्कूल को अपग्रेड नहीं कर सकते। क्या आज हम क्राइटेरिया बेस्ड एजुकेशन इस देश में लाना चाह रहे हैं? क्या हम देश को इस तरह आगे ले जाने का काम करेंगे जहाँ नंबर्स पर एजुकेशन लाई जाएगी? और दूसरी चीज, जहाँ सरकार कहती है कि हम सुरक्षा के ऊपर बड़े गंभीर हैं, मैं पूछता हूँ कि कितने ऐसे गांव हैं जहाँ से लड़कियाँ अपने स्कूल में साइकिल में या और किसी माध्यम से जाती है? सरकार ने पिछले एक डेकेड के अंदर वहाँ स्पेशल बस सर्विस चलाने का काम किया जिससे हमारी बहनें सुरक्षित अपने स्कूल तक पहुँचे। आप ये तो नहीं कह सकते कि प्रत्येक 6,800 पंचायतों के अंदर आप एक गर्ल्स का सेकेंडरी स्कूल बना देंगे।
वो तो सरकार के मेरे को लगता है खजाने पर भी फिजिबल नहीं होगा। तो अल्टरनेटिव रास्ता सरकार ने क्या सोचा है कि किस तरीके से हम लड़कियों को प्रॉपर सेफ्टी के साथ उनके स्कूल तक पहुंचाने का काम करेंगे? क्योंकि आज हम सूमाखेड़ा गांव की बात कर रहे हैं, मगर ऐसे कितने और गांव इस प्रदेश के अंदर है जिनको हम आज तक देख नहीं पाए। मेरे खुद आदर्श गांव मखंड है, जिसके अंदर हमने निरंतर मांग करी है कि पाँचवीं का स्कूल अपग्रेड किया जाए। आज तक सरकार द्वारा कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया गया उसके प्रति। तो आप सोचिए, धीरे धीरे ये व्यवस्था बिगड़ती जाएगी।